और हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिसको अल्लाह ने चार चीजें दे दी, अल्लाह तबारक व ताला ने जिसको चार चीजें दे दी, गोया अल्लाह तबारक व ताला ने उसको दुनिया की बहुत बड़ी नेमत और खैर कसीर अता फरमा दी। चार चीजें जिसको मिल जाए, अल्लाह ने उसको खैर कसीर दुनिया की अजीम नेमत से नवाज दिया। नंबर एक, शुक्र करने वाली जबान, शुक्र करने वाली जबान, मुसीबत में सब्र करने का हौसला। जबान से शुक्र हो और मुसीबत में सब्र करने का हौसला हो, मौजूद रहे तो खुश कर दे, गैर मौजूद रहो तो आपकी इज्जत और बिस्तर की हिफाजत करने वाली बीवी। मौजूद रहो, जब मौजूद रहो तो खुश करे, और अगर मौजूद ना रहो तो वो तुम्हारे बिस्तर की हिफाजत करे। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, शुक्र करने वाली जबान, सब्र करने वाला हौसला, खुश करने वाली और इज्जत को तहफ्फुज़ देने वाली बीवी, और अल्लाह अगर बीमारियों के अंदर मुब्तला कर दे तो बदन उसको बर्दाश्त करने की अपने अंदर ताकत रखे। ये नेमतें अल्लाह तबारक व ताला जिसको दे दे, गोया अल्लाह तबारक व ताला ने उसको खैर कसीर अता फरमाया, अल्लाह ने उसको दुनिया की सारी भलाइयां अता फरमा दी। अब आप देखें, अगर हमें नेमत मिलती है तो नेमत मिलने के बाद हमारा हाल ये होता है कि अल्लाह अकबर, नेमतों के अंदर अल्लाह ही को भूल जाते। बेटा पैदा होगा तो पहले मिठाई तकसीम होगी, सजदा शुक्र करना ही भूल जाएंगे। शादी की तकरीब होगी तो ढोल ताशे बाजों में मसरूफ हो जाएंगे, जिसने खुशियां दी उसी को भूल जाएंगे। नेमत मिले तो शुक्र करो, और जो शुक्र करेगा, और याद रखिए एक खास बात, बहुत खास बात, पूरी तकरीर याद रहे ना याद रहे, कोई कितना भी बड़ा नेक हो जाए, कितना भी बड़ा कोई नेक हो जाए, कितना भी परहेजगार हो जाए, कोई गारंटी नहीं है कि अल्लाह ने जो नेमत दी है अल्लाह न छीने। अल्लाह ने जो गारंटी दी है अल्लाह उसको न छीने, इसकी कोई गारंटी नहीं, बल्कि इस हर वक्त तलवार लटक रही है कि जो नेमत है वो छीन सकती है। कुरान कहता है, इन्नल्लाह ला युगयिर मा बि कौमिन हत्ता युगयिर मा बि अन्फुसिहिम, कि अल्लाह तबारक व ताला उस वक्त तक किसी कौम से नेमत नहीं छीनता जब तक के वो कौम खुद ऐसे हालात पैदा ना करे कि उससे नेमत छीनी जाए। जब तक के हम खुद अपने आप को नहीं बदलते, अल्लाह हालात हमारे नहीं बदलता, नेमत नहीं छीनी जाती।